नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होगी जेडीयू, नीतीश बोले कौन मंत्री बनेगा ये प्रधानमंत्री तय करेंगे। कितने मंत्री बनेंगे ये आरसीपी सिंह फैसला लेंगे। बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम नीतीश ने किया हवाई सर्वेक्षण, बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद पहुँचाने का दिया निर्देश। 12 जुलाई से शुरू होगा मुख्यमंत्री का जनता दरबार, हर सोमवार को लोगों की समस्याओं का निपटारा करेंगे सीएम। अनुकंपा पर नौकरी को लेकर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, परिवार में किसी के पास नौकरी है तो नहीं मिलेगा फायदा। मुंगेर में प्रसाद खाने से 250 लोग हुए बीमार, गांव में मचा हड़कंप। बिहार में कोरोना का हैरान करने वाला मामला, 2 महीने के अंदर दूसरी बार पॉजिटिव हुआ ब्लैक फंगस का मरीज। बिहार में गरीबों को नवंबर तक मिलेगा 5 किलो मुफ्त अनाज, भारत सरकार ने योजना की समय अवधि बढ़ाई। जल्द आ रहा हूँ बिहार, लालू यादव ने पटना वापसी की कही बात तो आरजेडी में दिखी नई ऊर्जा, एनडीए हुआ हमलावर। चिराग का नीतीश पर हमला, कहा जिन्होंने पिता को अपमानित किया चाचा उन्हीं की गोद में जा बैठे। तेज प्रताप यादव की अचानक बिगड़ी तबीयत, सांस लेने में दिक्कत, आनन फानन में मिलने पहुंचे तेजस्वी। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में जेडीयू शामिल होगी, नीतीश कुमार ने पटना में इसकी पुष्टि कर दी है। नीतीश ने कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है कि जेडीयू मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल नहीं होगी, लेकिन बीजेपी से सारी बातें आरसीपी सिंह करेंगे। पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही बीजेपी से बात करने को अधिकृत कर रखा है। मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही ऐसी कोई जानकारी उन्हें है कि जेडीयू मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल नहीं होने जा रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में जेडीयू के कितने मंत्री होंगे ये आरसीपी सिंह तय करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्हें ही पार्टी ने अधिकृत कर रखा है कि सारी बातें वही करेंगे। पत्रकारों ने पूछा कि पिछले दफे नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने का फैसला तो नीतीश कुमार ने ही लिया था। नीतीश ने कहा कि उस वक्त वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उत्तर बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों के लोगों की स्थिति को जानने की कोशिश की। वहीं इस दौरान संबंधित जिलों के अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने का निर्देश दिया। नेपाल से निकलकर उत्तर बिहार आने वाली नदियों के जल अधिग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण कई जिलों में बाढ़ आ गई है। इससे प्रभावित लोगों की स्थिति और उन्हें दी जा रही मदद के बारे में जानकारी लेने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने हवाई सर्वेक्षण किया है। इस दौरान जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा भी उनके साथ थे। सीएम ने सबसे पहले पश्चिम चंपारण के बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण किया। लंबे समय से बंद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार अब एक बार फिर से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री का जनता दरबार 12 जुलाई से शुरू होगा। सप्ताह में एक दिन सोमवार को मुख्यमंत्री जनता की समस्याओं का निपटारा करेंगे। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा। गौरतलब है कि बीते दिनों मुख्यमंत्री सचिवालय में बंद रहे जनता दरबार के सेट का मुआयना करने सीएम नीतीश गए थे, तभी से यह कयास लगाया जा रहा था कि अब जल्द ही जनता दरबार की शुरुआत होगी। इसे लेकर मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई आवश्यक निर्देश भी दिए गए। इस बैठक में सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, गृह विभाग के सचिव व अन्य अधिकारी शामिल हुए। जिलों में बैठक में डीएम, प्रमंडलीय आयुक्त, आईजी, डीआईजी और एसपी भी मौजूद थे। इससे पहले सोमवार को मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से इसे लेकर जिलों को भी पत्र जारी कर दिया गया है। मुख्य सचिव की बैठक में यह तय हुआ है कि 12 जुलाई से प्रत्येक सोमवार को मुख्यमंत्री का जनता दरबार लगाया जाएगा। जनता दरबार में मुख्यमंत्री बिहार के लोगों की समस्याओं का निपटारा करेंगे। सरकारी सेवकों की मृत्यु के बाद अनुकंपा पर परिवार के किसी सदस्य को दी जाने वाली नौकरी को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। पटना हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि जब परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में है तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जा सकती है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अनुकंपा पर नौकरी का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिल सकता है जिनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी में नहीं हो। पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने सोमवार को हरेंद्र कुमार की तरफ से दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह ऐतिहासिक फैसला दिया है। साथ ही दायर अर्जी को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने कहा कि अनुकंपा पर नौकरी किसी कर्मी के सदस्य का अधिकार नहीं है। कोर्ट को बताया गया था कि आवेदक के पिता पुलिस विभाग में तैनात थे, नौकरी में रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी के लिए आवेदक ने
विभाग में आवेदन दिया। विभाग ने यह कहते हुए उनके आवेदन को नामंजूर कर दिया कि परिवार के अन्य सदस्य सरकारी नौकरी में हैं, तो परिवार के दूसरे सदस्य को अनुकंपा पर बहाली नहीं की जा सकती है। विभाग के इस फैसले को मृतक कर्मी के दूसरे पुत्र ने हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थी। कोर्ट ने इस मामले में कहा कि अनुकंपा पर नौकरी पाना किसी कर्मी के सदस्य का अधिकार नहीं है। यह व्यवस्था करने के लिए मृत्यु के बाद परिवार में वित्तीय संकट उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए सरकार की तरफ से नीति बनाई गई है। परिवार को वित्तीय सहायता करने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है, लेकिन जब परिवार के अन्य सदस्य पहले से सरकारी नौकरी में है तो दूसरे सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जा सकती है। मुंगेर जिले के कोठुआ गांव में प्रसाद खाने से 250 लोग बीमार हो गए, जिसके बाद गांव में पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लोगों का इलाज शुरू किया। जिनकी तबीयत ज्यादा खराब थी उन्हें धरहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां लोगों का इलाज जारी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्रसाद के सैंपल को जाँच के लिए भेजा है। फिलहाल चिकित्सक इसे फूड पॉइजनिंग का मामला बता रहे हैं। हालांकि जांच के बाद इसकी पुष्टि की बात कही जा रही है। बीमार लोगों में ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सोमवार को कोठुआ गांव के रहने वाले महेश कोड़ा के घर पर पूजा का आयोजित की गई थी, जिसमें कई लोग शामिल हुए थे। पूजा समाप्त होने के बाद लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद खाने के 2 घंटे के बाद लोगों को पेट दर्द, उल्टी और दस्त होना शुरू हो गया। देखते ही देखते 250 लोगों को इस तरह की परेशानी होने लगी। इस दौरान गाँव में अफरा तफरी मच गई। बिहार में कोरोना का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ब्लैक फंगस के एक मरीज को कोरोना जांच में पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया है। मामला पटना के PMCH का है, जहां वैशाली के एक मरीज 2 महीने के अंदर 2 बार कोरोना संक्रमित पाया गया है। चिकित्सकों की टीम भी इस जांच रिपोर्ट आने से हैरान है। मरीज को आनंद फानन में कोरोना वार्ड में शिफ्ट किया गया, वहीं उनके संपर्क में आए सभी कर्मियों व लोगों की जाँच की जा रही है। COVID-19 महामारी के कारण चल रहे संकट के दौरान भारत सरकार के द्वारा की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं में से एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के 5वें चरण को लागू कर दिया गया है। जुलाई से नवंबर तक लाभुकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मिलने वाले खाद्यान्न के अतिरिक्त 5 किलो खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाएगा। इसके लिए 21.77 लाख MT अतिरिक्त खाद्यान्न का वितरण किया गया है। इस तरह भारत सरकार द्वारा 5 महीनों में वितरित किए जाने वाले कुल खाद्यान्न की मात्रा 44.89 लाख मीट्रिक टन के करीब होगी। FCI के बिहार क्षेत्र के महाप्रबंधक संजीव कुमार भदानी ने सोमवार को अपने कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी आधिकारिक घोषणा की। भदानी ने कहा कि COVID-19 महामारी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, इससे बिहार की जनता को खाद्यान्न संकट का सामना न करना पड़े, इसके लिए भारत सरकार ने बिहार में 5 महीने के लिए योजना को बढ़ा दिया है। इससे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 4 का नाम दिया गया है। सोमवार यानी 5 जुलाई को राजद ने पार्टी के 25 साल पूरे हो जाने पर रजत जयंती समारोह पटना में मनाया। इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। लंबे अरसे के बाद बिहार की जनता व खासकर उनके समर्थकों ने लालू यादव की आवाज को उसकी पुरानी अंदाज में सुना। रिहा होने के बाद लालू यादव पहली बार जनता व कार्यकर्ताओं को इतने देर तक संबोधित किए। बिहार में अब सियासी गर्मी भी बढ़ गई है। लालू यादव की एंट्री ने राजद कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया है। बिहार में लालू की वापसी को लेकर अब कयास तेज हो रहे हैं। वहीं NDA लालू की वापसी को देखकर उन पर लगातार हमलावर है। राजद के 25वें स्थापना दिवस समारोह पर मौजूद लालू यादव ने अपने सेहत के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने समर्थकों को बताया कि उनकी सेहत पहले से बेहतर है। रांची में उनकी तबीयत काफी अधिक खराब हो चुकी थी। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि अगर तेजस्वी और राबड़ी देवी न होती तो उनकी मौत रांची में ही हो जाती। एम्स के डॉक्टरों को उन्होंने धन्यवाद दिया और कहा है कि मेरी जान उन्होंने बचा ली। चिराग पासवान ने मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अपने चाचा पशुपति पारस पर हमला बोला है। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब मेरे पिता बीमार थे तो नीतीश कुमार ने उनका हालचाल तक नहीं पूछा था, उनको अपमानित किया, लेकिन आज मेरे चाचा उन्हीं की गोद में जाकर बैठे हैं। चिराग ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने सोमवार को पिताजी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। विपक्ष ने भी उन्हें याद किया, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें श्रद्धांजलि तक नहीं दी और हमारे चाचा उनके साथ दोस्ती निभा रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की अचानक
तबीयत बिगड़ गई है। तेज प्रताप को काफी बुखार है, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बड़े भाई की तबीयत बिगड़ने की खबर मिलते ही बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने भाई का हालचाल लेने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं। मंगलवार की शाम बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और समस्तीपुर जिले के हसनपुर सीट से राजद विधायक तेज प्रताप यादव की तबीयत बिगड़ गई है। करीब सूत्रों की माने तो तेज प्रताप को काफी तेज बुखार है, उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। फिलहाल उनके आवास पर ही डॉक्टर तेज प्रताप का इलाज कर रहे हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर उनके आवास के बाहर एक एम्बुलेंस तैनात है ताकि स्थिति बिगड़ने पर उन्हें जल्द से जल्द किसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा सके। बड़े भाई की तबीयत अचानक से खराब होने की सूचना मिलते ही छोटे भाई तेजस्वी आनन फानन में उनसे मिलने पहुंचे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तेजस्वी अपने बड़े भाई के साथ मौजूद हैं। डॉक्टर तेज प्रताप का इलाज कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि तेजस्वी ने डॉक्टर से बातचीत की, उनसे सलाह लिया है। फिलहाल डॉक्टरों ने कहा कि स्थिति सामान्य है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।